हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपका फैक्टराइजेशन मेथड आएगा, जो कि आपने 8th 9th 10th क्लास में सीखा ही था, या फिर हम इसको एक बार और सीख लेते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें बी को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होगा जिसके मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल आए, जिसकी मल्टीप्लाई तो ए सी के इक्वल आए, और जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आए, बी। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई जो है ए सी के इक्वल आए, और जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आए, बी के इक्वल आए। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। देखो, a की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर सकते हैं, c की वैल्यू 10, 10 वन जा 10, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और प्लस माइनस करे तो 3 आए। आप कहेंगे कि सर 5 टू जा, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है, जो ये लास्ट नंबर है इसको भी एज इट इज लिखना है। दो नंबर आपके क्या आए, एक तो 5 आया और एक 2। भाई जो भी वेरिएबल है दोनों के साथ वो वेरिएबल लगा देंगे। अब देखो, मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो अगर इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तभी तो माइनस का 3 आ सकता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन किसका रहता है, जो नंबर बड़ा है। तो इसलिए माइनस 5x प्लस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 3x। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा आपका, x माइनस 5, और इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, 2, तो क्या बचेगा, x माइनस 5। तो एक तो आपका मतलब सभी से कॉमन क्या आ गया, x माइनस 5, और एक बचा क्या, x प्लस 2। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई अगर जीरो के इक्वल हो, तो या तो ये नंबर जीरो के इक्वल है या फिर ये नंबर जीरो के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, या तो x माइनस 5 जीरो के इक्वल, या फिर आपका x प्लस 2 जो है वो जीरो के इक्वल। अगर ये जीरो के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5, और अगर ये जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस 2। तो ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकेंड पार्ट में 2x स्क्वेयर क्या चीज, 2x स्क्वेयर प्लस में x और माइनस में 6 इज इक्वल टू जीरो। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए, 12, और प्लस माइनस करे क्या आए, 1। तो आप कहेंगे सर 4 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 से 12 होता है और 4 माइनस 3 क्या रहता है, 1। तो ये नंबर एज इट इज और लास्ट वाला नंबर एज इट इज, दो नंबर क्या आए हैं आपके, एक तो आया है 4 और एक आया है 3। तो मैंने क्या कहा था, जो भी वेरिएबल है दोनों के साथ वो वेरिएबल लगाएंगे। हमें प्लस का 1 चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस का रहेगा और छोटा क्या रहेगा, माइनस का। देखिए ये एज इट इज, अगर 4 माइनस 3 करेंगे 1 रहेगा और माइनस 6, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों से कॉमन क्या है आपका, 2x, क्या बचेगा, x प्लस में 2, और इन दोनों से क्या कॉमन आया, माइनस का 3, क्या बचेगा, x प्लस 2। और मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रैकेट क्या आ गई, x प्लस 2, और दूसरी ब्रैकेट क्या आ गई आपकी, 2x माइनस 3। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो या तो ये जीरो के इक्वल होगा या फिर ये जीरो के इक्वल होगा। तो अगर मैं x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 2, और अगर मैं 2x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखता हूं तो 2x किसके इक्वल, 3 के इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3/2। तो ये आपकी इसकी जीरोस आ गई, तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूट वाला क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान होता है। देखिए यहाँ पर रूट 2x स्क्वेयर थर्ड पार्ट में क्या है, रूट 2x स्क्वेयर
प्लस में 7x और प्लस में 5√2। तो कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 5√2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c की मल्टीप्लाई यानी कि √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 एज इट इज, आपको पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 5 × 2 = कितना हो गया 10, 5 × 2 = कितना हो गया 10। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है 10 और प्लस माइनस करें किसके इक्वल आए 7। आप कहेंगे सर 5 और 2, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है और 5 + 2 कितना होता है 7। तो क्या ये नंबर एज इट इज 7x को हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस में 2x और ये नंबर भी आपका एज इट इज। अब यहां पर देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे कि सर x कॉमन आया, अगर x कॉमन आया तो यहां क्या बचा √2x और प्लस में 5। अब इन दोनों से √2 कॉमन आ सकता है। देखिए जो 2 है ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां तो √2x बच गया और यहां पर सिर्फ क्या बचेगा 5। अब देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब सॉल्यूशन आपका ठीक है। तो यहां से एक ब्रैकेट आ गई √2x + 5 और दूसरी क्या आ जाएगी x + √2, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा। तो यहां से √2x + 5 अगर 0 के इक्वल पुट करें तो √2x किसके इक्वल -5 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/√2, x की वैल्यू क्या आ गई -5/√2। और इसको सोल्व किया जाए तो x + √2 0 के इक्वल, ये √2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई x = -√2, तो ये इसकी जीरोस आ गई। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है भाई, 2x² -x + 1/8। आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर कोई फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम उसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिया कितना आ गया 8, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 और 8 × 16x², ऐसे ये भी क्या आ जाएगा 16x और ये क्या बचेगा 1, अरे ये 16 नहीं 8 × 1 = 8 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 8, तो कितना आ गया 8x और ये 0 के इक्वल। अब डिवाइड में 8 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है क्या रहता है 0, तो इसलिए क्या बच गया आपका 16x² - 8x + 1 = 0। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए 16 और प्लस माइनस करें तो क्या आए 8। आप कहेंगे कि सर 4 और 4, तो 16x² और प्लस में 1 एज इट इज लिख लीजिए, दो नंबर क्या आए 4 और 4, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे x। अब मुझे माइनस का 8 चाहिए, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है तो दोनों के आगे नेगेटिव रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों से 4x कॉमन आया तो क्या बचेगा 4x - 1, इन दोनों से क्या -1 कॉमन आया तो क्या बचेगा 4x - 1, तो आपका क्या एक ब्रैकेट आ गई 4x - 1 और दूसरी ब्रैकेट भी क्या 4x - 1। तो यहाँ से अगर इनको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू यानी कि 4x - 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, 4x किसके इक्वल 1 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, तो दो फैक्टर क्या आ गए आपके 1/4 और 1/4। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। तो भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, 100x² - 20x + 1 = 0। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या आए 100 और प्लस माइनस करें 20, तो आप कहेंगे सर 10 × 10, 10 × 10 = 100 एंड 10 + 10 = 20, तो ये नंबर एज इट इज लिख देंगे और लास्ट वाला नंबर भी एज इट इज लिख देंगे। हमने दो नंबर लिए हैं क्या 10 और 10, दोनों के साथ x वेरिएबल।
अब माइनस माइनस करेंगे तभी तो माइनस का आएगा, तो दोनों के आगे माइनस मैंने लगाया। इन दोनों से कॉमन क्या आया, आप कहेंगे कि सर टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस वन। इन दोनों से क्या कॉमन आया, माइनस वन, तो क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस वन। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही है, यानी कि एक ब्रैकेट टेन एक्स माइनस वन और दूसरी भी टेन एक्स माइनस वन। अब इनको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो टेन एक्स माइनस वन जीरो के इक्वल, टेन एक्स किसके इक्वल, वन के इक्वल। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन बाय टेन, ये एक्स की वैल्यू वन बाय टेन, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय टेन। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल वन। देखिए जो आपके पास बुक है उसमें एग्जांपल नंबर वन होगा, तो वहां पर जो भी आपके पास इक्वेशन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लोगों को सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर ठीक हो पाता है। थर्ड में इसने क्या कहा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट कितना 182। देखिए दो नंबर हैं, दोनों का सम 27 है, दोनों का सम कितना है 27। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, जो पहला नंबर है वो मैंने x मान लिया, तो जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भाई 27 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। देखो इनको जोड़ेंगे तो x x कट गया, तो सम कितना आ गया 27। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम इसने 27 कहा। आगे इसने क्या कहा, उनका जो प्रोडक्ट है 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है 182 के इक्वल। प्रोडक्ट अगर करें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकंड नंबर क्या है आपका 27 माइनस एक्स, तो किसके इक्वल आ गया 182 के इक्वल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 27x, x इंटू x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको उधर ले जाओ, उधर लेकर जाएंगे तो x स्क्वायर तो प्लस का हो गया, 27x माइनस का हो गया, और ये इधर प्लस का है ही। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 182 आए और प्लस माइनस करें तो कितना है 27। आप कहेंगे कि सर 13 एंड 14, तो x स्क्वायर भाई एक नंबर तो 13x आ गया और एक क्या आ गया 14x प्लस 182। दोनों के आगे मैंने माइनस इसलिए लगाए क्योंकि हमें माइनस का 27 चाहिए था, हमें क्या चाहिए था माइनस का 27। दो इन दोनों में से पहले तो हमें से क्या कॉमन आया x, क्या बचेगा x माइनस 13। इन दोनों से क्या कॉमन आया माइनस 14, तो क्या बचेगा x माइनस 13। भाई अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे विजिबल नहीं होगा, तो x माइनस 13 और एक ब्रैकेट क्या आ गई आपकी x माइनस 14, तो मैंने क्या लिखा x माइनस 14। अब इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो या तो ये जीरो के इक्वल या फिर ये जीरो के इक्वल। अगर x माइनस 13 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 13, और अगर x माइनस 14 जीरो के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो x की वैल्यू एक आ गई 13, एक आ गई 14। तो अगर एक नंबर 13 होगा तो दूसरा 14, और एक 14 है तो दूसरा 13, तो दो नंबर आपके क्या हो गए 13 एंड 14। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भाई आपका सेकंड एंड थर्ड हो चुका है, वही आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक से बढ़कर एक हो। कल वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स मान लेते हैं, तो जो दूसरा नंबर है सेकंड या फिर अनदर नंबर वो क्या आ जाएगा x प्लस वन, क्योंकि इसने कंसेक्यूटिव इंटीजर कहा है। अब इसने क्या कहा कि इनके सम स्क्वायर का सम,
सम ऑफ हूज स्केयर्स, तो इसका स्केयर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिख देंगे हम, इसका स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर, और उसका स्केयर करेंगे दूसरे वाले का तो एक्स प्लस वन का स्केयर, किसके इक्वल हो गया 365। अब यहां पर एक्स स्केयर, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 365। अब देखिए यहां पर एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये 365 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्या आ गया टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस 364 इज इक्वल टू जीरो। भाई सभी से कॉमन क्या आ गया टू, तो क्या बचेगा एक्स स्केयर प्लस एक्स, और यहां से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वन, और ये कितना आ गया आपका 16, यानी कि 182 कितना आ गया भाई 182। अब 182 ये आ गया, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा जीरो, तो अगेन जो है आपके यहां पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 14 एंड 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो, तो दो नंबर क्या आ गए ये तो एज इट इज, एक तो 14x आ गया और एक 13x, क्योंकि 14 माइनस 13 1 रहेगा और 14 इंटू 13 182 रहेगा, तो इसलिए ये मैंने प्लस का लिया, ये मैंने माइनस का लिया, और माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से कॉमन क्या आ गया आप कहेंगे कि सर x, तो क्या बचेगा x प्लस 14, और यहां से कॉमन क्या आ गया माइनस 13, तो क्या बचेगा x प्लस 14, तो एक ब्रैकेट तो आ गई आपकी x प्लस 14 और एक ब्रैकेट आ गई आपकी x माइनस 13, तो या तो ये जीरो के इक्वल या फिर ये जीरो के इक्वल। अगर x प्लस 14 जीरो के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 14, और अगर x माइनस 13 जीरो के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो देखिए दो नंबर आपके क्या आ गए, एक माइनस 14 और एक क्या 13, तो माइनस का 14 नहीं ले सकते क्योंकि इसने पॉजिटिव इंटीजर कहा है, तो इसलिए ये नंबर आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, तो नंबर क्या आ गया 13। तो पहला नंबर हमने क्या माना है 13, ऐड करेंगे 13 प्लस 1 14, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, तो बाकी के मतलब ये जो दो नंबर थे ये क्या आ गए 13 एंड 14। तो एक बार इसको नोट डाउन करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया। अब इसने क्या कहा, जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने यहां पर बेस x मीटर कंसिडर कर लिया। अगर बेस x हो गया तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, ये पॉइंट मैंने a कंसीडर किया, ये b, ये c, और ये परपेंडिकुलर हो गया। आगे इसने क्या कहा, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें बाकी की दो साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो कुल मिला के हमने यहां पर बेस को x माना है, तो लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल इज कितना भाई x सेंटीमीटर। अगर बेस x सेंटीमीटर है तो जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि इसने क्या कहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इतना क्लियर भाई। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर है वो किसके इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेन्यूज 13, तो 13 का स्केयर, बेस x है तो x का स्केयर, और परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7, तो इसका स्केयर हम लिख देंगे यहां पर। अब 13 का स्केयर क्या होता है 169 एक्स स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है ए का स्केयर, 7 का स्केयर 49 माइनस 7 टू जा 14x। अब ये उधर जाएगा तो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर
टू एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस 14x, और ये 169 उधर जाएगा माइनस हो गया और प्लस में 49, तो ये क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 माइनस 49 कितना हो जाएगा आपका माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। अब सभी से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 कॉमन आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये कितना बचेगा भाई 60 इज इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर हाँ या ना, इतना भी सभी को क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने क्या किया, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। भाई 2 वहां डिवाइड में जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। आप आसानी से फैक्टर्स बना सकते हैं, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए 60, जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए 60 और प्लस माइनस करेंगे तो 7। तो भाई आप लोग खुद कह देंगे सर 12 5 जा क्या होता है 60 एंड 12 माइनस 5 कितना होगा 7, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों से कॉमन क्या आया x, क्या बचेगा x माइनस 12। इन दोनों से कॉमन क्या आया 5, क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो एक ब्रैकेट आपकी x माइनस 12 आई और दूसरी x प्लस 5, तो यहां से या तो ये जीरो के इक्वल या ये जीरो के इक्वल। अगर ये जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू 12 और ये जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू माइनस 5। अब किसी चीज की लेंथ माइनस की नहीं हो सकती तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो ये एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 5, तो ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 12। तो उम्मीद है भाई इतना आप सभी को समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। भाई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। अब इसने कहा इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उसके 2 गुना से 3 ज्यादा। अब मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे इज इक्वल टू एक्स। भाई एक दिन में मान लीजिए एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। इसने क्या कहा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, 3 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब 2 गुना, और इससे कितना ज्यादा है भाई 3 अधिक है, 3 ज्यादा है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 2x प्लस 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x। आगे इसने कहा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और अगर उस दिन टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कितनी है 90 रुपीज है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी रहने वाली है, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। देखिए मान लीजिए ये एक मार्कर 30 रुपए का आता है, अगर आपको ऐसे 5 मार्कर लेकर आने हैं तो कितने रुपए के आएंगे, आप क्या करेंगे 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 150, इज दैट क्लियर। तो ऐसे ही यहां पर एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर 90 रुपीज दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो क्या आ जाएगा x, क्या 2x प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, ये 3x और ये 90 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का।
अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 180 आए और प्लस माइनस करें तो 3। आप कहेंगे सर 15 और 12, 15 माइनस 12 3 रहता है और 15 इंटू 12 कितना हो जाता है 180। तो इसीलिए ये एज इट इज एक नंबर क्या आ गया 15x और एक नंबर क्या आ गया 12x और ये 90 भी क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। अब हमें प्लस का चाहिए तो इसको प्लस का रखेंगे और इसको माइनस का रखेंगे तो इन दोनों से कॉमन क्या आया। आप कहेंगे सर x कॉमन आया तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 और दूसरे से क्या कॉमन आया भाई। आप कहेंगे सर माइनस और 6 कॉमन आ जाएगा तो माइनस 6 कॉमन आ गया क्या बचेगा x प्लस 15 क्या 2x प्लस 15 सॉरी हाँ या तो भाई अब इनमें से दोनों में से 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचेगा x माइनस 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल है या तो ये जीरो के इक्वल है या फिर ये जीरो के इक्वल है तो अगर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो 2x प्लस 15 जीरो के इक्वल 2x किसके इक्वल माइनस 15 एक्स किसके इक्वल माइनस 15 बाय 2। लेकिन माइनस में तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो सकते माइनस में आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते तो क्या रहेगा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। एक्स की वैल्यू 6 आ गई यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस होंगे 6 और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ जाएगी 6 टू 12 और 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया तो एक बार इसको नोट डाउन करें। तो भाई आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है जो बिल्कुल आसान थी। तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTNs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.